हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी। फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस मूवमेंट इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे कूका मूवमेंट के बारे में। और ये जो नामधारीज थे ये कौन थे? तो जो नामधारीज थे, जो कूका मूवमेंट था, ये बेसिकली एक ही चीज़ थी। इसको नामधारी मूवमेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये कूका मूवमेंट को नामधारीज ने ही किया था। नामधारीज और कूका एक्चुअली में एक ही लोग थे। 1872 में हुआ था। ये सिख रिलीजन से रिलेटेड है। निरंकारी मूवमेंट के बाद ये नामधारी मूवमेंट सेकंड रिफॉर्म मूवमेंट था सिखिज्म के। तो इसकी पूरी हम डिटेल देखेंगे। बाबा राम सिंह जी इसके साथ एसोसिएटेड थे। तो ये मैं लेके आया फ्रेंड्स। मेरा नाम हर्षित द्विवेदी। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं, हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये कूका मूवमेंट से रिलेटेड उसको कमेमोरेट करने के लिए एक स्टैम्प भी रिलीज की थी भारत सरकार में। इसकी फोटो यहाँ बनी हुई है। तो अब देखते हैं, इसको नामधारी मूवमेंट भी बोला जाता है, जैसा कि मैं आप बता चुका हूँ। अब जो जो लीडर्स इस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे या जिनका इफेक्ट रहा है इस मूवमेंट पे, उनकी बात करेंगे। एक तो बाबा बलक सिंह थे, भगत जवाहर मल और एक बाबा राम सिंह थे। अब देखिए, भगत जवाहर मल के समय पे ये मूवमेंट शुरू हुआ नहीं था, लेकिन इनकी टीचिंग से ही इंस्पायर था, क्योंकि इनके शिष्य थे बाबा बलक सिंह और बाबा बलक सिंह के शिष्य थे बाबा राम सिंह। आगे देखते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि पहला रिफॉर्म मूवमेंट सिखिज्म में था निरंकारी मूवमेंट। उसका दूसरा मूवमेंट जो सिखिज्म को रिफॉर्म करना था वो क्या था? नामधारी मूवमेंट। इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सिख किंगडम में। और ये वो जगह थी जो सिखों के पॉलिटिकल सेंटर से दूर थी, रॉयल्टी, पावर, रिचनेस, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, इन सब चीज़ों से बहुत दूर थी। वो बस सिंपल और पायस लिविंग से सिख रिलीजन को रिफॉर्म करना चाहते थे। तो ऐसी चीज़ें ऑब्वियस ही बात है पॉलिटिकल पावर और इन सब चीज़ों से दूर ही होती हैं, क्योंकि पावर के पास कभी स्पिरिचुअलिटी नहीं आ सकती। इसका काम क्या था कि जो सिखिज्म धर्म की ट्रू स्पिरिट है उसको हम प्रोपोगेट करेंगे, उसको हम पढ़ाएंगे। और ये जो सिखिज्म धर्म में दकियानुसी कस्टम्स आ गए हैं, मैनरिज्म आ गए कि हाँ इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए, असली सिख ऐसे करता है, उसको स्ट्रिक्ट अडेरेंस करने के बजाय जो सिखिज्म की सच्ची शिक्षाएँ हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। और ये जो कस्टम्स है, मैनरिज्म थे, ये उस समय पे सिख मोनार्की में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। तो इन्होंने बोला कि नहीं, इनको स्ट्रिक्ट एडहेरेंस करने से अच्छा है कि हम अपने थॉट प्रोसेस में रिफॉर्म करें। तो ये इनका एम था। फिर इसने बोला कि उस समय पे क्या था कि अब राजा रंजीत सिंह के राज हुआ, ठीक है, उसके बाद और भी जो मोनार्की थी सिख की, उनके था मिलिट्री ग्लोरी का टाइम था। वो पॉलिटिकल पावर का टाइम था कि सब लोग लड़ लड़ के अपनी पॉलिटिकल पावर, अपनी ग्लोरी, अपनी अपना राज बना रहे थे। उस समय पे इस सेक्ट ने, इस नामधारी सेक्ट ने बोला कि आप एक पायस लिविंग लीजिए, सिंपल लाइफ रहिए, एकदम जनरल लाइफ जिए, और उससे अपनी रिलीजियस जो ऑब्लिगेशंस है, अपनी जो रिलीजियस जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करिए। यानी कि मिलिट्री गोरी और पॉलिटिकल पावर को साइड कर दिया और सिंपल लिविंग के थ्रू, पायस लिविंग के थ्रू, दूसरों की मदद करना, इसके थ्रू आप अपनी रिलीजियस धार्मिक जिम्मेदारियों को आप वो पालन करें। अब देखिए, बाबा बलक सिंह जो थे उनका जन्म हुआ था सरवाला विलेज है अटोक डिस्ट्रिक्ट में 1799 में। इन्होंने अपने लाइफ की बहुत शुरुआत से ही प्रीच करना शुरू कर दिया था। शुरुआत से ही थोड़े धार्मिक टाइप के थे, मॉन्क टाइप के थे ये। और इनका क्या एम था कि जो सिखिज्म धर्म है इसको रिफॉर्म करना है, इसके अंदर जो गलत चीज़ें आ गई हैं उनको हटाना है। अच्छा, उनके भी गुरु कौन थे? भगवत जवाहर मल। इनको फेमसली सियान साहिब भी बोलते हैं। और इन्होंने भी अपने शिष्यों को सिखाया कि अपनी लाइफ को प्योरिटी से कैसे जिए। और इन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि आप गॉड का नाम जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। तो जब ये लोग, इस सेक्ट के लोग गॉड का नाम जपते रहते थे, जपते रहते थे, जपते रहते थे, तो उनका नाम ही पड़ गया नामधारी, क्योंकि ये अपने भगवान का नाम हमेशा जपते रहते थे। और भगवत जवाहर मल के शिष्य कौन थे? बाबा बलक सिंह थे। बाबा बलक सिंह ने मूवमेंट को आगे बढ़ाया, लेकिन जो स्पेशल पुश दिया है, जो बिल्कुल तेज़ी से इस मूवमेंट को सामने लेके आए हैं, वो कौन थे? बाबा राम सिंह थे। तो बोला जाता है कि बाबा राम सिंह वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग दिस मूवमेंट अपवर्ड। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इस मूवमेंट को बहुत तेज़ी से बाबा राम सिंह ने ही बढ़ाया है। हालांकि फाउंड किसने किया इस पर हम अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। बाबा राम सिंह का जन्म 1815 में हुआ था, ठीक है। और बाबा राम सिंह ने भगवत जवाहर मल से भी शिक्षा ली थी और बाबा बलक सिंह से भी शिक्षा ली थी। दोनों गुरु के टच में थे वो। अब देखिए, इन लोगों को कूकास भी बोला जाता था। ये जो नामदारीज थे इनको कूका भी बोला जाता था। अब इनको कूकास बोला क्यों जाता था? जब ये अपने भगवान की पूजा करते थे, अपने भगवान को याद करते थे, तो बार बार ये गुरबानी बोलते थे, सेइंग्स ऑफ द गुरुज। तो
उसकी वजह से एक ही बहुत अलग तरीके की आवाज़ थी जिसको बोलते थे कूक पंजाबी में, एक हाई पिच्ड वॉइस होती थी, इस स्टाइल में ये बोला करते गए, इसलिए इनका नाम पड़ गया कूका नामधारीज का। कि जो इनकी गुरबानियाँ थीं, जो सेइंग्स ऑफ द गुरु थी जिसको ये बार बार रिसाइट करते थे, अपने मुंह से बोलते थे, तो उसको बहुत हाई पिच्ड वॉइस में एक अलग तरीके से बोलते थे और उस चीज़ को बोला जाता था उस समय कूक, जिसपे इनका नाम कूका पड़ गया, इन्हें नामधारीज को कूकास भी बोला जाने लगा। अब सबसे खास बात हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि एक्चुअल फाउंडर कौन है इस नामधारी सेक्ट का, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट ये है कि जो ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया है उसने बोला है कि बाबा बलक सिंह इज़ द रियल फाउंडर ऑफ ऑफ दिस नामधारी सेक्ट, और जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वो ये कहता है कि बाबा राम सिंह इज द रियल फाउंडर ऑफ नामधारी सेक्ट। तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप बाबा राम सिंह को रियल फाउंडर बोलिए, क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडियन गवर्नमेंट का माउथपीस है, ठीक है ना, कि कह सकते हो कि ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बोलता है, तो जो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी वही सही है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, आपके जनरल टर्म्स के पर्सपेक्टिव से आप कुछ भी मान लीजिए। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हिसाब से बाबा राम सिंह है, तो अगर कभी एग्जाम में आ गया तो आप बाबा राम सिंह मार दीजिए, ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ नामधारी मूवमेंट। हालांकि ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया के हिसाब से बाबा बलक सिंह इज द रियल फाउंडर। अब बाबा राम सिंह ने बहुत कुछ किया है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, उनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। उन्होंने 22 लर्निंग सेंटर्स लगाए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, ग्वालियर में लगाए, लखनऊ में लगाए, बनारस में लगाए, हैदराबाद में, काबुल में, और उन सबको एक लीडर, डेप्यूटी लीडर के अंडर में रखा जिसका नाम था सूबा। इस सूबा का काम क्या था कि बाबा राम सिंह की जो टीचिंग्स है ना उनको लोगों के बीच में फैलाया जाए। तो ये जो अलग अलग जगहों पर लर्निंग सेंटर्स बनाए गए थे नामधारी सेक्ट के, वो वहाँ पर रह के नामधारी सेक्ट की जो टीचिंग्स थी वो लोगों को बताते थे, और उसके लिए एक लीडर्स डिप्यूट कर रखा था खुद बाबा राम सिंह ने। उन लीडर्स का काम क्या था कि ठीक से ये सब चीज़ें हो रही हैं ये चीज़ को देखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, टीचिंग्स देखते हैं नामधारी सेट की। सबसे पहली चीज़ थी कि इन्होंने माना कि सिक्स की केवल एक ही होली बुक है, वो है आदि ग्रंथ, और उनके केवल एक ही गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, और सबको गुरु गोविंद सिंह ने जो टीचिंग्स दी हैं उनको आंख बंद करके मानना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली अडेयर करना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई अमेंडमेंट या बदलाव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने ये बोली। फिर बोला कि जो नामधारी सेक्ट था ना वो हर कास्ट और रिलीजन के लोगों को अपने आप में मिलाने में तैयार था, इट वॉज वेरी रिसेप्टिव। ऐसा नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं, कास्ट के लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी के लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी आके नामधारी सेक्ट को ज्वाइन कर लेता है किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बिना। बस एक कंडीशन थी कि जो नामधारी सेक्ट के प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको मानना पड़ेगा, अधेयर करना पड़ेगा। फिर बोला कि उस समय पे सोधीज और बेदीज होते थे, ये सिखिज्म में थोड़ा रिलीजियस स्पिरिचुअल लेवल पे जो थोड़ा ऊपर उठ गए थे उनको सोधीज बेदीज बोलते थे, उनकी पूजा करते थे बाकी सिक्स, तो ये मना करवाया। फिर महंस ब्राह्मण्स की जो पूजा होती थी, जो इनको माना जाता था, जो अलग से इनको सोसाइटी में स्टेटस दिया जाता था, बोला जाता था इसको बंद करो। उन्होंने बोला सिर्फ गुरु गोविंद सिंह की टीचिंग्स को मानिए और कुछ भी मत मानिए। फिर बोला गया कि जो आइडल वर्शिप हो रही मूर्ति पूजा है नामधारीस के बीच में, ये तो भैया कंप्लीटली नहीं होनी चाहिए, नामधारीस में मूर्ति पूजा नाम की कोई चीज नहीं होगी, ये लोग थे आइकोनोक्लास्ट। अब बात होती है आइकोनोक्लास्ट क्या होते हैं, तो आइकोनोक्लास्ट वो होते हैं जो एस्टैब्लिश्ड बिलीफ को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, यानी कि जो कुछ भी मान्यताएं समाज में हैं उनको नहीं मानना है, अपने दिमाग से सोचना है। और साथ साथ आइकोनोक्लास्ट को एक चीज़ से आप और जोड़ सकते हो कि बाइजेंटीन एम्पायर में कुछ रिलीजियस और इम्पीरियल अथॉरिटीज़ ने बोला कि ये जो रिलीजियस इमेजेस और आइकन्स की हम लोग पूजा करते हैं, इनका जो हम यूज़ करते हैं, इसको पूरी तरीके से बंद कर दो। यानी कि आइडल वर्शिप, रिलीजियस आइकन्स, इमेजेस और ये जो फोटो बना के पूजा करते हैं ये बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये भी आइकोनोक्लास्ट है, तो उस हिसाब से आप कह सकते हो कि ये आइडल वर्शिप को क्यों फॉरबिड कर रहे थे, क्योंकि ये आइकोनोक्लास्ट थे और एस्टैब्लिश्ड बिलीफ को भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। एस्टैब्लिश्ड बिलीफ क्या थी, जो समय की सोसाइटी के दगियान उसी ख्याल थे कि लो कास्ट पीपल को अपने साथ नहीं बैठाना है, रिलीजन के नाम पर लड़ना है, उस सब चीज़ों के अगेंस्ट में बोला इन्होंने। ये वेजिटेरियंस थे सारे, इनको कैटल मारना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था, आपको नॉन वेज नहीं खाना है, आपको सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाना है, किसी को मारने का हक आपको नहीं है, ये कूका से नामधारियों का मानना था, और इनको केवल सफ़ेद कपड़ा पहनने की परमिशन थी। तो ये कुछ चीज़ें थी इनके ऊपर। फिर देवी द्वार हुआ करते थे, शिव द्वार, एक तरीके से टेंपल्स, मंदिर, ये सब ऐसी जगहें मानी जाती थी, इन्होंने माना कि ये वो जगहें हैं जहाँ पे लोगों को लूटा जाता है, इसलिए यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ये बस वो मेथड्स बनाए गए कि लोग आए वहाँ पे चंदा डालें, लोगों को बेवकूफ़ बना के रखें, आप वहाँ मत जाइए, आप अंदर से भगवान को मानिए,
टेम्पल सेम्पल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं। फिर कहा गया कि इंटर कास्ट मैरिज को प्रमोट करेंगे, औरतों के राइट को आगे बढ़ाएंगे, चाइल्ड मैरिज को बंद करेंगे, जो बच्चों को मार दिया जाता है उसको बंद करेंगे, और ये डाउरी सिस्टम को भी बंद करेंगे कि शादी के समय पे लड़की वाले लड़के वालों को पैसा दे रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इनके ख्यालात बहुत प्रोग्रेसिव थे। और बाबा राम सिंह जो कि इस नामधारी सेक्ट को आगे बढ़ा रहे थे, वो इतने फेमस हो गए ना अपने फॉलोअर्स के बीच में कि उनके कई फॉलोअर्स तो ये बोलने लगे कि ये तो गुरु गोबिंद सिंह जी के सक्सेसर हैं। लेकिन बाबा राम सिंह ने इस बात से ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं, ये बात सही नहीं है, गुरु गोबिंद सिंह जी का अलग ओहदा है, मैं सिर्फ उनकी टीचिंग्स को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं उनका सक्सेसर नहीं हूँ, गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद कोई सक्सेसर नहीं, क्योंकि कुछ लोग इनको गुरु गोबिंद सिंह जी का सक्सेसर मानने लगे थे। इनफैक्ट गुरु गोबिंद सिंह जी ने किताब लिखी थी, उसमें लिखा था कि आगे एक गुरु आएंगे जो आपकी परेशानियों को हटाएंगे, तो लोग उनको बाबा एक पोथी करके थी, ठीक है, वो लोग उनको बाबा राम सिंह के साथ कंपेयर करने लगे थे, लेकिन बाबा राम सिंह जी ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं गुरु गोबिंद सिंह जी का सक्सेसर नहीं हूँ, ठीक है, गुरु तो वो थे ही। आप देखते हैं कूका मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई। नामधारी के सेक्ट के जो सपोर्टर्स थे, जो कूकास थे, ने बहुत वाइड स्प्रेड थे, ये इतनी जगहों पे फैले थे, बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सर्वेंट्स थे, और कई सारे लोग तो ब्रिटिश आर्मी में भी थे, लेकिन ब्रिटिश आर्मी के जो सपोर्टर्स थे, जो नामधारी थे, उन्होंने कभी खुल के नहीं बोला कि हम नामधारी हैं, पर वो नामधारी सेक्ट को मानते थे। 1871 में चीज़ें गड़बड़ा गई। क्या हुआ, फिरोजपुर के खोते विलेज में एक मीटिंग हुई, और वहाँ पे कूकास के ही दो ग्रुप्स बन गए, और उनके बीच में कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स आ गए, ठीक है। अब जब उनके बीच में वो इंटरनल डिस्प्यूट्स आ गए, तो वो दोनों ग्रुप्स उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, और लड़ाई इतनी ज़्यादा अगली हो गई कि खुद बाबा राम सिंह उस लड़ाई को उस समय पे कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन अब देखिए, अब तक क्या था ना कि बाबा राम सिंह जी भले ही बहुत स्ट्रांग उनके फॉलोअर्स हो गए थे, सब लोग उनको मान रहे थे, लेकिन बाबा राम सिंह जी अंग्रेज़ों की आंखों में भी बहुत चुभ रहे थे, क्योंकि देखिए बाबा राम सिंह जी ने कभी भी अंग्रेजों के राज को नहीं मारा, ही नेवर एक्सेप्टेड द ब्रिटिश रूल। उससे पहले ही वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में फ्रीडम डिक्लेयर कर चुके थे, और उन्होंने एक वाइट फ्लैग ऑफ फ्रीडम भी लहराया था 1857 में। उन्होंने रशियंस को भी लेटर लिखा था कि आप आके हमें ब्रिटिश रूल से आज़ादी दिलाइए, और उन्होंने बोला अपने फॉलोअर्स को कि जो ब्रिटिश रूल है ना, बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने फॉलोअर्स नामधारी से कहा कि आप ब्रिटिश की गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन मत करिए, उनके द्वारा चलाए गए जुडिशियल कोर्ट्स का इस्तेमाल मत करिए, आप अंग्रेजी लैंग्वेज को मत सीखिए। तो जब इस तरीके की चीज़ें कोई बोलेगा, तो क्या अंग्रेजी सरकार को पसंद आएगा? उसके बाद उन्होंने और चीज़ें भी बोली थी कि इंग्लिश एजुकेशन को बॉयकॉट करिए, इंग्लिश की मिल्स में बने हुए कपड़ों को बॉयकॉट करिए, जो बाहर से इंपोर्टेड गुड्स आ रहे हैं उनको बॉयकॉट करिए। आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ों को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने भी इस्तेमाल किया। तो नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पहली बार ऐसा नहीं था कि चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी। स्वदेशी मूवमेंट में भी हुई थी बॉयकॉट वाली चीज़ें, और उससे पहले बाबा राम सिंह ने भी अपने नामधारी मूवमेंट में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया था। तो जब ये सब चीज़ें राम सिंह जी कर रहे थे, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आएगा। उन्होंने अपने एजेंट्स डिप्लॉय कर रखे थे बाबा राम सिंह की एक्टिविटीज़ को क्लोज वॉच के लिए। जब ये फिरोजपुर कॉन्फ्रेंस खोते विलेज में हुई थी ना, इतनी भीड़ में लोग वहाँ पे गए थे कि ब्रिटिशर्स के एजेंट वहीं पे पोस्टेड थे, उनकी आर्मी यूनिट्स एकदम एक्टिव थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो कंट्रोल करेंगे हम। ब्रिटिशर्स पहले ही तैयार थे। अब हुआ कि वहाँ पे कूकास के आपस के दो ग्रुप्स आपस में ही लड़ने लगे, और आपस में लड़ने चक्कर में वो सीधे वॉयलेंस पे उतर आए, और एक उन्होंने वहाँ पे जो बुचर्स थे, जो कसाई होते हैं, उनको मारना शुरू कर दिया। अब कसाईयों को मारना क्यों शुरू कर दिया एक ग्रुप ने? दो ग्रुप आपस में लड़े और एक ग्रुप उठा, उसने कसाई को मारना शुरू कर दिया। उसने कसाई को मारना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि ये लोग वेजिटेरियन को फॉलो करते थे, किलिंग एनिमल्स इनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था। तो अगर किलिंग एनिमल्स आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था, तो ये बिचर्स लोगों को मार रहे, बुचर्स को मारो। बुचर्स को बहुत मारा है इन लोगों ने, मतलब बहुत सारे बुचर्स को मार दिया, मर्डर कर दिया। कहते हैं कुछ लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप, टेम्पल्स, मंदिर पे भी अटैक की, क्योंकि ये आइकोनोक्लास्ट है, और आइकोनोक्लास्ट की आइडियोलॉजी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एस्टैब्लिश बिलीफ को नहीं मानना है, ये आइकन्स, रिलीजियस इमेजेस, इन सबको वर्शिप नहीं करनी है। फिर क्या हुआ कि मूवमेंट थोड़ा सा और वायलेंट हुआ, और कुछ कूकास बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल चले गए। उन्होंने राम सिंह जी की बात को भी नहीं माना, और वो एक मालेर कोटला नाम का एक टाउन था, उस पर उन्होंने अटैक कर दिया और उस टाउन को कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पे जो पानी था ना, वो कहते हैं अब घड़ा भर गया उनकी हरकतों का। ब्रिटिश गवर्नमेंट को गुस्सा आया, उन्होंने ये करने वाले 65 कूका को कैनन्स के सामने बांध के उनको
उड़ा दी, आप सोचिए, मतलब बारूद जो बारूद दागने वाली जो गन होती थी उनकी, उसके सामने बांध के उड़ा दिया उनको कैनन से। बाबा राम सिंह ने क्लियर भी किया कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं ये कुछ लोग उनका नाम लेके कर रहे हैं, बाबा राम सिंह का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि सीधे सीधे अगर आप मालेर कोटला पर अटैक करके ब्रिटिश अथॉरिटी को हटा के अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हो, यानी आप सीधे सीधे ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो, और ये करने से बाबा राम सिंह जी ने भी मना किया था लेकिन कोई माना नहीं। तो ऑब्वियसली 65 कुकाओं को मार दिया गया और बाबा राम सिंह जी ने बोला कि ये सब चीज़ें मैंने नहीं करवाई हैं। उसके बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट कर लिया और रंगून भेज दिया एग्जाइल में। और उसके बाद जो अलग अलग सूबा 22 लर्निंग सेंटर्स स्टैब्लिश किए थे बाबा राम सिंह ने पूरे इंडिया में, उनके लीडर सूबा को अरेस्ट कर लिया, जिसकी वजह से मूवमेंट लीडरलेस हो गया और धीरे धीरे करके इस पूरे मूवमेंट को ब्रिटिशर्स ने बुरी तरीके से क्रश कर दिया, दबा दिया, एकदम खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी ये कूका मूवमेंट हिस्ट्री में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, सिखिज्म रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड है, और इसके जो आइडियोलॉजीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। कुछ अच्छा ना लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें फ्रेंड्स। गुड बाय।